परचम उठा कर चलेंगे, जहालत जहां से मिटा कर रहेंगे। जमीयत का परचम उठा कर चलेंगे, जहालत जहां से मिटा कर रहेंगे। अब मैं जनाब मास्टर रामानंद जी से कहूंगा, चाहूंगा कि वह आए अपनी बातों को बस एक मिनट में रखें। आज राष्ट्रीय एकता के विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे इस मंच के अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित आध्यात्मिक गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक आर्थिक हस्तियां सबके चरणों में मेरा नमन। साथ ही मेरे सम्मुख उपस्थित विशाल जन सैलाब के चरणों में मेरा नमन। आज बड़ा सौभाग्य है इस अदरी की धरती पर जो मेरी जन्मभूमि से सटे है, यहाँ के आयोजक मंडल ने एक विशाल एकता सम्मेलन आयोजित किया और क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ आए। मैं हृदय की गहराइयों से मंच पर साथ ही साथ मंच के सम्मुख उपस्थित सभी साथियों का नमन करता हूं। बड़ा सौभाग्य है बार बार यहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात की गई। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूंगा। बड़े गर्व की बात है, हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन दिल से दिल मिलाकर रहते हैं। यही है गंगा जमुनी तहजीब जो सदियों से चलती आई है और सदियों तक चलती रहेगी। ये फिरका परस्ती ताकतें समय का लाभ लेने के लिए हमारे बीच द्वेष का भाव भले फैलाएं, लेकिन हम जागरूक हैं, हम सामाजिक क्रांति के लोग हैं, ये सोशल रिफॉर्म है। हम अपने विचारधाराओं को स्वयं सोच सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। बड़ा सौभाग्य है हम उस देश में पैदा हुए हैं और उस देश की धरती से हमें मोहब्बत है और उस मोहब्बत पर मुझे कहना है कि अन्न जहां का हमने खाया, जल जहां का हमने पिया, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।